बिहार की राजनीति पिछले दो दिनों से इफ्तार पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत नीतीश जी ने शनिवार इफ्तार पार्टी देकर किया, तो ठीक उसके अगले दिन तेजस्वी ने राजद की ओर से जो इनविटेशन कार्ड छपा था उसमें परिवार के तमाम लोग, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी और मीसा का नाम छपा था। इफ्तार पार्टी हुई, जमकर इफ्तार पार्टी हुई और उसमें राजनीति के भी कई रंग देखने को मिले। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं इफ्तार की, लेकिन इफ्तार में कई राजनीति के भी रंग दिखे। परसों बेशक नीतीश के इफ्तार पार्टी में रामविलास पासवान के पुत्र और युवा सांसद चिराग नहीं पहुंचे थे, जबकि उन्हें इनवाइट किया गया था। यह चर्चा भी चली कि चाचा के निमंत्रण पर भतीजा आते हैं या नहीं, वो नहीं गए। दूसरी तरफ कल मतलब रविवार के इफ्तार पार्टी में चिराग पहुंचे और जेडीयू सुप्रीमो या मुख्यमंत्री नीतीश जी के पांव भी छुए और उनका आशीर्वाद लिया। पप्पू यादव भी पहुंचे, तमाम लोग राजनीति के दिग्गज वहां पहुंचे थे, क्योंकि ऐसे भी महागठबंधन के तरफ से यह आयोजित एक तरह से इफ्तार पार्टी आप मान सकते हैं, जिनमें तमाम पार्टियां इकट्ठा हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे इफ्तार पार्टी में, पारिवारिक इफ्तार पार्टी में या पार्टी के इफ्तार पार्टी में लालू जी के बड़े पुत्र तेज प्रताप नहीं दिखे। इसके कई मायने आप लगा सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बात मैं यहां यह कह रहा हूं कि चिराग वहां पहुंचे, जबकि इसके ठीक तीन चार दिन पहले चिराग की मुलाकात सड़क पर ही सही बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से हुई थी। इस बात की भी कई व्याख्या की गई कि ये दो जो सक्रिय रूप से अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, भले एनडीए में चिराग नहीं हो, लेकिन दोनों की मुलाकात के कई खास मायने लगाए गए। लेकिन इसी मायने की कड़ी में कल जब चिराग नीतीश के पांव छुए या तेजस्वी के बुलाए इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, तो और भी कई कहानियां गढ़ी गई। लेकिन देखिए चिराग किस तरह से मैच्योर राजनीति करने की ओर बढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण उन्होंने तुरंत वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को दिया, जब यह कहा गया कि चाचा के प्रति क्या आपकी कुछ दिलचस्पी बढ़ी है। उन्होंने इनकार कर दिया कि पैर छूना और आशीर्वाद लेना उनके संस्कार का मसला है, लेकिन राजनीति उनके खून में है और मैं फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट के नाम पर कहीं भी इसके लिए लड़ाई तेज कर सकता हूं और उनके निशाने पर जाहिर है महागठबंधन की सरकार बिहार की सरकार है। मतलब साफ है इफ्तार पार्टी में चिराग का शामिल होना कहीं से यह संकेत नहीं है कि वह महागठबंधन के में शामिल होने का कोई आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी ओर तमाम लोग वहां जुटे और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा यही इफ्तार पार्टी है पिछले साल जहां पहली बार नीतीश वर्षों बाद इफ्तार पार्टी में, आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे और तभी से ये सरकार बदले जाने की एक नई चर्चा चली थी जो कुछ ही दिन के बाद सामने आ गई थी। सवाल फिर वही है कि इफ्तार पार्टी से किसे क्या फायदा होगा और किसे क्या नुकसान होगा, लेकिन यह तय मानिए कि इस इफ्तार पार्टी से बीजेपी बिल्कुल दूरी बनाए हुए थी और जो आज समाचार पत्रों में छपे हैं उस आधार पर यह कह सकते हैं कि इनका झुकाव ध्रुवीकरण की ओर है। मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के प्रति जो नीतीश जी की निष्ठा है या आरजेडी की निष्ठा है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण की ओर संकेत दे रहा है और मेरा मानना है कि बीजेपी इस मौके को कभी गंवा नहीं सकती है। मसला यह है कि इस तरह से राजनीति करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, और जो पिछले दिनों रामनवमी को लेकर प्रदेश के दो जगहों में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, एक की हत्या और कई लोग घायल हुए हैं, कितनी संपत्ति जली उसकी समीक्षा की जा रही है, और इस तरह से पूरे वातावरण को आप एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि यह प्रजातंत्र है और सेकुलरिज्म के नाम पर आप छिपे रूप से वही धर्म के आधार पर काम करना
शुरू कर चुके हैं, यह कहीं से सही नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।